आस्था गारमेंट्स लाए है महिलाओं के लिए आकर्षक कपड़ों की बहार। कल्चरल और फैंसी साड़ियाँ, कुर्तियाँ, रेडीमेड ब्लाउज, कुर्ते, दुपट्टे, अंडर गारमेंट्स, एक से बढ़कर एक बेडशीट, पायदान और भी बहुत कुछ आपके बजट में उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारे आस्था गारमेंट्स। हमारा पता, गुजराती मोहल्ला, तार बाजार, पांडुर्ना। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुर्ना में। बांबल बंधु लाए है फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, किराना एंड जनरल, डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुर्ना। पांडुर्ना सौसर के लिए जीवनदायिनी जाम नदी की पहली बार परिक्रमा होने जा रही है। ती गांव की श्रद्धा सबूरी पानी एवं पर्यावरण सामाजिक संस्था यह ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत मुका बाबा की नगरी और जाम नदी के उद्गम स्थान ती गांव से रविवार 11 दिसंबर से होने वाली है। इस यात्रा के संचालक और वाटर हीरो की उपाधि प्राप्त नीरज वानखेड़े ने बताया कि यात्रा 3 दिनों में जाम नदी की परिक्रमा पूरी करेगी। यह यात्रा ती गांव से शुरू होकर पांडुर्ना मोर डोंगरी के रास्ते भूली पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद 12 दिसंबर को सावच पानी बाना बाकोड़ा पिपला नारायणवार होते हुए जाम सावली मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए यात्रा पहुंचने वाली है। 13 दिसंबर को जाम सावली मंदिर से चलकर कनान जाम नदी संगम पहुंचेगी। पूजा अर्चना के बाद यात्रा का समापन होगा। जल ही जीवन है, इस उद्देश्य को लेकर श्रद्धा सबूरी समाज सेवी संस्था तिगांव के द्वारा निकाली जा रही है। इसके संचालक नीरज भाई हैं और इनकी पूरी टीम इस यात्रा को निकाल रही है। मेरा सभी क्षेत्र के लोगों से अनुरोध है कि जल संवर्धन को लेकर एक जो मुहिम हमारे युवा साथी निकाल रहे हैं, नीरज भाई सहित इनकी पूरी टीम, मेरे क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग अधिक से अधिक जल संवर्धन के इस पुनीत कार्यक्रम में, इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आपके द्वारा जाम नदी के संरक्षण के लिए 11 तारीख से जो यात्रा प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए जन अभियान परिषद परिवार आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आप इसी तरह निरंतर समाज के हित में कार्य करते रहें, आपके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यात्रा के दौरान नदी और जल को बचाने के लिए परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। गांव वालों को नदी के प्रति जिम्मेदार होने और प्रदूषण मुक्त रखने की अपील की जाएगी।